नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसे काफी समय से, सदियों से घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं नमक से पोंछा लगाने के फायदों के बारे में। तो क्या ये सच है कि का पोंछा लगाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे के आध्यात्मिक और साइंटिफिक मान्यताएं, साथ ये भी जानेंगे कि कैसे छोटे से उपाय को अपना करके आप अपने घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे नमक आपके घर का माहौल बदल सकता है। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि क्या सबको नमक का पोछा लगाने की जरूरत है, या फिर कैसे कुछ फायदे हैं या नुकसान है, और अगर लगाएं तो इसको कैसे लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबके बारे में डिटेल में। तो इसके लिए इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक जरूर देखते रहें। तो नमक जो होता है एक साधारण मसाला या खाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज नहीं है। इसका उपाय शुद्धिकरण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि करना जरूरी है। कई संस्कृतियों से नमक को घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई समय से ये चीजें चलती आ रही हैं और वास्तुशास्त्र और फेंगशुई जैसी प्राचीन विद्याओं में भी इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या आप वास्तव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है? उसका फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? तो थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो नमक में एक प्राकृतिक शुद्धिकरण शक्ति होती है। ये नेचुरली, अगर बात करें तो एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, जो इसे स्वच्छता के लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन तत्व बनाता है। और सफाई के दौरान नमक का अगर आप उपयोग करेंगे तो घर के जो फर्श है उसमें बैक्टीरिया अगर लगे हैं, कोई गंदगी लगी है, तो वो साफ हो जाता है और फर्श जो है गंदगी से मुक्त हो जाता है। बल्कि ये मान्यता भी है कि नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। और कई धर्मों और परंपराओं में नमक का विशेष स्थान है। इसे नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्मा को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन समय से ही लोग नमक का उपयोग अपने घरों की सफाई और ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए करते आए हैं। अब वास्तुशास्त्र और फेंगशुई में अगर बात करें तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक न केवल शारीरिक रूप से सफाई करता है, बल्कि घर की ऊर्जा को संतुलित करने का भी काम करता है। ये माना जाता है कि जब आप पानी में नमक मिलाकर के पोंछा लगाते हैं तो ये आपके घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल देता है। फेंगशुई में भी नमक का उपयोग घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नमक का उपयोग ना केवल पोंछा लगाने के लिए, बल्कि घर के कोनों में नमक के कटोरे रखकर भी किया जाता है, ताकि वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सके। अब कैसे करें आप नमक से पोंछे लगाने की प्रक्रिया, यानी कि अगर आप भी नमक वाला पोंछा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप एक बाल्टी पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक जो होता है या फिर साधारण नमक मिला लें। नमक की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 चम्मच सफिशियंट है। अब इस नमक मिले पानी का उपयोग करके पूरे घर में पोंछा लगाएं जैसे आप नॉर्मली लगाते हैं। विशेष रूप से घर के कोनों पर ध्यान दें, क्योंकि यहीं पर यही एक ऐसी जगह होती है जहां नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आकर्षित होती है। ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया आप सप्ताह में 1 या 2 बार कर सकते हैं, खास करके उन दिनों जब आपको घर में नेगेटिविटी का अनुभव हो रहा हो या किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। जब आप नमक से पोंछा लगाएं तो अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही रखें और ये सोचें कि आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रहे हैं। किसी भी काम को आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ करेंगे तो उसके रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। अब नमक से पोंछा लगाना एक ट्रेडिशनल और एक स्पिरिचुअल प्रक्रिया तो है ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए अनिवार्य है। अब क्या सभी को पानी में नमक मिलाया हुआ पोंछा लगाना चाहिए? तो जरूरी नहीं है, ये आपके विश्वास और मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आप इसे दूर करना चाहते हैं तो आप इसे नमक से पोंछा लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अब लेकिन अगर आपका फर्श जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के फर्श पर नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये फर्श को नुकसान पहुंचा सकता है। और रोजाना भी नमक मिला हुआ पोंछा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 बार ही पर्याप्त है। अगर आपके घर में कुछ ऐसी लेयर्स हैं, स्तर हैं जो नमक से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, तो प्लीज वहां पर नमक का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपका खर्चा बढ़ेगा और आपका फर्नीचर, आपका जो सरफेस है वो खराब हो जाएगा।
अब क्या नमक से पोंछा लगाने का कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? इसके पीछे लगाते तो हैं, लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं इसके लिए? तो आइए जानते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा। तो नमक के शुद्धिकरण और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के जो दावे किए जाते रहे हैं, उसे मुख्य रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नमक में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कोई विशेष शक्ति नहीं है। हालांकि इसका एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, इसे सफाई के लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव, अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन कई बार मानसिक भावनात्मक शांति के लिए ऐसे उपाय सहायक होते हैं। अगर किसी को विश्वास है कि नमक से पोंछा लगाने से उनके घर में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और प्लेसिबो प्रभाव क्या है? नमक से पोंछा लगाने का एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि इससे व्यक्ति को मानसिक रूप से पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया में विश्वास करता है, मान लीजिए कि मैं कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए फायदेमंद होगा, तो ये अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया में विश्वास करता है और उसे अपनाता है, तो वो अपनी मानसिक स्थिति में सुधार महसूस करता है, और इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें आपका विश्वास है आपको बेहतर महसूस कराता है। या आपने भी नोट किया होगा कि अगर आप किसी काम को विश्वास के साथ करते हैं, तो आप मेंटली ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो इसका फाइनली कंक्लूजन क्या है? तो नमक से पोंछा लगाना एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जो कोई नई बात नहीं है, वो बहुत सदियों से ये होती रही है। जहां पर नेगेटिव एनर्जी फील की जाती है, वहां पर कहा जाता है कि कॉर्नर्स में नमक एक डाल करके रख लो एक बर्तन में, और वो बर्तन आपको दिखना भी चाहिए। कई बार ऐसा भी कहा जाता है, कई बार बेड के नीचे नमक रखवाते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों से आप बात करेंगे तो ये जो है, ये परंपरा आज भी काफी जगह अपनाई जाती है। ये आपकी घर की साफ सफाई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ना केवल स्वच्छता के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये भी मान्यता है कि घर की नेगेटिव एनर्जी को ये दूर करने में मदद करता है, घर में पॉजिटिविटी लेकर के आता है। कोई भी उपाय जो घर में अगर पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं, वहाँ के लोगों में, वहाँ के मेंबर्स में अगर प्यार सौहार्द बना करके रखते हैं, तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। और नमक कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करता है, और नमक को इस्तेमाल करने से किसी के ऊपर अगर किसी को आप हार्म भी नहीं कर रहे हैं। तो कई लोग काले जादू टोटके वोटके करते हैं, तो ये नेगेटिव और दिमाग में लेकर के आता है बातें, लेकिन नमक का इस्तेमाल करने से शायद आपको कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। नमक बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर ये आपके लिए मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है, अगर आपको इसके इस्तेमाल करने से अच्छा फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद हो रहा है, तो ये आप अवश्य करें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, और इसको इस्तेमाल करने से आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने घर को स्वच्छ और ऊर्जा से भरपूर बना करके रखना चाहते हैं, तो आप भी सप्ताह में कम से कम एक या दो बार नमक मिलाया हुआ पोंछा लगा सकते हैं, और ये साधारण उपाय आपकी मदद कर सकता है। तो ध्यान रहे, ये उपाय पूरी तरह से आपके विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर की जरूरतों और फर्श की नेचर को, फर्श की प्रॉपर्टीज को आपको देखना है कि किस तरह का है। ये ना हो कि इन चक्रों में आपकी फर्नीचर खराब हो जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है कि नमक का इस्तेमाल करने से फायदा होता है या नहीं होता है, साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।